हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चाटजी और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 Hyundai वरना के बारे में। तो बेसिकली आपने देखा होगा Hyundai का बहुत सारा न्यूज आ रहा है अभी रिसेंटली। अभी कुछ मतलब नेक्स्ट वीक का ये क्रेटा लॉन्च होगा और वरना के मतलब टीजर्स भी स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली नया वरना 2020 फुल्ली मतलब नया मॉडल तो नहीं होगा, ये फेसलिफ्ट होगा और आने वाला है 28 मार्च को। अभी तक वही पता है, मार्च एंड 28 ही लगता है आएगा। तो क्या नया मिलेगा इस गाड़ी में? पहले तो लुक्स डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया है। आप अब देख सकते हैं कि पिक्चर्स में फ्रंट बैक थोड़ा साइड का लुक दिखाया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये डिजाइन अभी थोड़ा सा एम्बेसडर जो हमारे पुराने जमाने में एम्बेसडर था वह वैसे दिखता है। किसी ने बोला है कि फोर्ड की थोड़ी गाड़ी से कॉपी है। तो पता नहीं क्यों आजकल Hyundai का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा कॉपी हमको लग रहा है, पता नहीं क्यों। पर आपको क्या लगता है, ये आपको रिमाइंड करता है कि एम्बेसडर का? मैं जब देखा एम्बेसडर का फोटो, मुझे भी थोड़ा सा लगा हाँ ये ग्रिल तो थोड़ा मैच कर रहा है इस गाड़ी से। तो आप बताइए, आपको क्या थोड़ा सिमिलैरिटी लग रहा है कि नहीं, या खाली मैं ही ऐसा लग रहा है मुझको, बताइए कमेंट सेक्शन में। और बेसिकली अगर आप देखें इंजन ऑप्शंस में, इसमें भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी BS6 कम्प्लांट होना चाहिए इंजन। तो 3 ऑप्शन आएगा इस बार, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आएगा इस बार, जो होगा 7-स्पीड DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो आप दूसरे Hyundai गाड़ी में भी देखा है वही आएगा। ट्रांसमिशन का मैनुअल ट्रांसमिशन में लग रहा है कि 6-स्पीड ट्रांसमिशन ही आएगा दोनों पेट्रोल और डीजल में, अभी तक कंफर्म तो नहीं है पर मुझे लगता है 6-स्पीड ही आना चाहिए। तो उतना ही हमें अभी तक पता है ये सब की इंटीरियर्स के बारे में पता नहीं है, एक्सटीरियर्स थोड़ा सा चेंज होगा। और मैं एक्चुअली जब ये वरना के बारे में, मैं नॉर्मली पर्सनल ओपिनियन में बोल रहा हूँ, सेडान्स में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मेरा हैचबैक्स और एसयूवी में है। क्योंकि मुझे जब लगता है सेडान आप खरीदते हैं, वो पीछे का सेक्शन बूट होता है, पर आप जब अगर वही उतने ही कॉस्ट में अगर आप थोड़ा एसयूवी खरीदेंगे तो पूरा बैक खुल जाता है, तो बहुत स्पेस रहता है लगेज रखने के लिए। वेयरएज सेडान में आपको इतना ही बूट स्पेस मिलता है। पर लोगों, अभी तो मैं सर्च कर रहा था कि कितने लोग एक्चुअली सेडान खरीदते हैं इंडिया में, तो मैं एक्चुअली एक नवंबर का रिपोर्ट देखा तो Hyundai का वरना सेल्स अराउंड 2000 पर मंथ है क्लोज टू। और अगर टॉप सेलिंग मॉडल सेडान में अभी है मारुति सुजुकी डिजायर, और इसका अराउंड 17,000 यूनिट्स बिकता है। तो कितना डिफरेंस है, 8 टाइम ज्यादा बिकता है वरना से। ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी कम है, पर सेडान का मार्केट अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी भी लोग खरीदते हैं। तो Hyundai वरना आने वाली है जल्दी, कब तक? 28 मार्च तक। अगर आप देखेंगे होंडा की सिटी भी बहुत फेमस है इस सेगमेंट में, तो होंडा की नई सिटी भी लॉन्च होने वाली है जल्दी, अभी तक पता नहीं कब। तो हो सकता है कि सिटी पहले लॉन्च होगी उसके बाद वरना, तो हो सकता है इस 28 मार्च के पहले ही होंडा सिटी लॉन्च हो जाए। तो इसी के वजह से Hyundai का मेन रीजन लॉन्च करने का है कि सभी मॉडल्स BS6 कंप्लायंट हो जाना चाहिए। तो जो भी मॉडल्स में अभी तक BS6 इंजन नहीं है, तो या तो फेसलिफ्ट कर रही है या तो पूरा चेंज कर रही है। तो वही अभी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी BS6 कर देंगे। तो आज का इतना ही न्यूज है, और कल का वीडियो था क्रेटा के बारे में, मुझे पता नहीं क्यों इतने लोग डिसलाइक्स दिए उस वीडियो में। अभी मैं लास्ट देखा तो 21 डिसलाइक्स थे, पता नहीं कोई भी कमेंट में नहीं बोला क्या उनको उतना अच्छा नहीं लगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, पर पूरा लोगों ने डिसलाइक मार दिया पता नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है पर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतना मतलब बनाता हूँ मैं देख के इन्फॉर्मेशन और लोग खाली डिसलाइक मारे जा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे क्या गलत है। तो आप देखिए वीडियो, अगर आपको लगता है हाँ ये थोड़ा अलग हो सकता था, ये नहीं चाहिए था, तो
कमेंट करके बता देना ताकि मैं थोड़ा सीख सकूं और लोगों को, हो सकता है मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि हिंदी मेरा परफेक्ट नहीं है, अभी भी सीख रहा हूँ, जितना बात करूँगा उतना इम्प्रूव होगा, तो वही बात है अभी, तो हो सकता है लोगों को हिंदी अच्छा नहीं लगा इसलिए डिसलाइक मार दिए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक मारिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, कमेंट भी कर दीजिए अगर कोई सजेशंस देना है, और उस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, @RC Media House, RCA Media HOUSE। आज के लिए इतना ही, बस ड्राइव सेफ और बाय बाय।